हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस वीडियो में हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे प्रिपेयर होगी वो पढ़ेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है उल्टा डेल और इसे नेबला बोलते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जैसे y x का फंक्शन है और हमें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यानी कि नेबला अप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स पे। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में हमने क्या किया था, जैसे यहाँ पे x है तो हमने एक तरफ और आगे की तरफ बढ़े थे हम। बैकवर्ड डिफरेंस में हम एक स्टेप पीछे जाएंगे यानी कि x माइनस एच, लेकिन माइनस वैसे ही करना है, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस करना है। तो x पे फंक्शन की वैल्यू माइनस x माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू। तो नेबला एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। ये है फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट, मतलब एक ऑर्डर तो हमने लिख लिया डेल्टा की पावर नेबला की पावर वन और एक हमने अप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में भी किया था। अब और अगर इसे हम खोल के लिखें तो जब एफ ऑफ एक्स पे नेबला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच पे करेंगे तो इससे एक स्टेप पीछे जाना है यानी कि एक्स माइनस टू एच। तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच, यानी कि ये बन रहा है एफ ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और पूरा खोल के इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर सिमिलरली हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तीन बार अप्लाई करें तो ये कैसे लिखा जा सकता है, नेबला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस नेबला स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। और अगर इसे पूरा खोल के लिखें तो ये बनेगा, देखो डेल स्क्वायर नेबला स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स से शुरू हो रहा है और फिर एक्स माइनस एच एक्स माइनस टू एच, ये डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू, और जब नेबला की पावर टू है तो माइनस टू एच तक जा रहा है। तो यहाँ पे जब नेबला की पावर थ्री है तो ये माइनस थ्री एच तक जाएगा, और ये जो है ये वन टू वन ये जो बन रहा है तो ये एक तरीके से टू सी जीरो टू सी वन टू सी टू बन रहा है। तो यहाँ पे थ्री सी जीरो थ्री सी वन थ्री सी टू ऐसे बनेगा जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में बना था। और तीसरी चीज़ वही ऑल्टरनेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस, और ये जो लास्ट वाला साइन है ये डिपेंड करेगा ऑपरेटर की पावर पे। अगर ऑपरेटर की पावर इवन है तो ये लास्ट वाला पॉजिटिव होगा, ऑपरेटर की पावर ऑड है तो ये लास्ट वाला नेगेटिव होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या बनेगा ये एफ ओफ एक्स माइनस थ्री सी वन यानी कि थ्री एफ ओफ एक्स माइनस एच प्लस थ्री सी टू, थ्री सी टू भी थ्री सी वन के बराबर ही होता है तो थ्री एफ ओफ एक्स माइनस टू एच माइनस थ्री सी थ्री यानी कि वन एफ ओफ एक्स माइनस थ्री एच, ठीक है। तो अगर हम फोर टाइम्स अप्लाई करें बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को तो एक तो ये हुआ तरीका लिखने का, नेबला पावर थ्री एफ ऑफ एक्स माइनस नेबला पावर थ्री एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और अगर पूरा खोल के लिखना है हमें तो ये बनेगा फोर सी जीरो यानी कि वन एफ ऑफ एक्स माइनस फोर सी वन यानी कि फोर एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस फोर सी टू यानी कि सिक्स एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच माइनस फोर सी थ्री, फोर सी थ्री फोर सी वन के बराबर होता है तो फोर एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री एच प्लस फोर सी फोर यानी कि वन एफ ऑफ एक्स माइनस फोर एच, ठीक है। तो जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में था सेम वैसे है, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे स्टार्ट यहाँ एक्स प्लस फोर एच से हो रहा था और हम एफ ऑफ एक्स तक जा रहे थे, यहाँ पे क्योंकि ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो हमें पीछे की तरफ जाना है तो x से स्टार्ट करके हम x माइनस फोर एच तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में बात करें, इसकी पावर n लें, तो एक तो ये तरीका होगा इसे लिखने का, नेबला की पावर n माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस नेबला की पावर n माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ठीक है। और अगर पूरा खोल के लिखते हैं तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एन सी वन एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एन सी टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू एच माइनस सो ऑन। लास्ट में जाकर के डिपेंड करेगा, एन अगर इवन नंबर है तब तो पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा। तो लास्ट में हो जाएगा माइनस वन की पावर एन एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच,
तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की पावर एन का, ठीक है। अब अगर हमें बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे? तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल तो वही हम एक्स की वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस में किया था उसी तरीके से हम एक्स की वैल्यूज ले लेते हैं। एक्स ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ठीक है। और इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, ठीक है। अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है एफ ऑफ एक्स पे, नेबला अप्लाई करना है। तो तरीका वही है, दो दो के पेयर में इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे भी इन दोनों को माइनस करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे और बीच में लिखेंगे ए प्लस टू एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है। लेकिन पढ़ने का तरीका ऐसे होगा, देखो ये ए प्लस एच, ए प्लस एच पे ये फंक्शन की वैल्यू, और ये हो गई ए प्लस एच पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू नेपला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, ठीक है। तो ये ऐसे पीछे से पढ़ा जाता है, देखो नेबला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, अगर ए प्लस थ्री एच पे हमें नेबला अप्लाई करना है तो एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस इससे एक जस्ट पीछे वाली वैल्यू, तो इससे पीछे वाली वैल्यू ए प्लस टू एच होगी, ठीक है। ये ए प्लस टू एच एक्स की वैल्यू, ये इस पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और ये वाली वैल्यू होगी नेबला एफ ऑफ ए प्लस टू एच की, ठीक है। ये ए प्लस एच, ये एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये नेबला एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। और यहाँ पे हम नेबला एफ ऑफ ए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ए माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। तो कैलकुलेट करने का तरीका वही है, टेबल प्रिपेयर करने का तरीका, बस पढ़ने का तरीका चेंज हो गया। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में हम इस तरह से पढ़ते हैं ए एफ ऑफ ए डेल एफ ऑफ ए डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, यहाँ पे हम ऐसे पीछे से पढ़ेंगे ए प्लस थ्री एच एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच नेबला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच सो ऑन। तो हम सेकेंड डिफरेंस जो है ऑपरेटर वो और नेबला स्क्वायर एफ एक्स और प्रिपेयर कर लेते हैं। तो तरीका वही है, इन दोनों में से बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, यानी हम नेबला एफ ऑफ ए प्लस टू एच माइनस नेबला एफ ऑफ ए प्लस एच लिख रहे हैं, ठीक है। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस किया है और यहाँ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखना है, तो नेबला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच माइनस नेबला एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है। और पढ़ा कैसे जाएगा, ए प्लस थ्री एच एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच नेबला एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, और ये वैल्यू किसकी होगी नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच की, ठीक है। ए प्लस टू एच एफ ऑफ ए प्लस टू एच नेबला एफ ऑफ ए प्लस टू एच, और ये नेबला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गई बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, अब हम ऐसा करते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये और ज़्यादा हमें क्लियर समझ आए। तो हमने सेम डेटा लिया है जो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए लिया था, एक्स की वैल्यूज़ और एक्स के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज़। अब डेल एफ ऑफ सॉरी नेबला एफ ऑफ एक्स बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो जैसे मैंने कहा था टेबल प्रिपेयर करने का तरीका चेंज नहीं होगा, हमें 11 माइनस माइनस 1 करना है तो ये हो गया 12। अभी 35 माइनस 11 करना है तो ये हो गया 24। 77 माइनस 35 ये हो गया 42, ये हो गया 66, और ये 239 माइनस तो ये हो जाएगा 96, ठीक है। फिर सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस, तो अगेन हमें इसमें से माइनस करना है तो ये आ रहा है 12 और ये आ रहा है 18, ये आ रहा है 24 और ये आ रहा है 30, ठीक है। अब हम थर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो
सिक्स सिक्स सिक्स, एंड फोर्थ डिफरेंस जो है वो हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, अब टेबल पढ़ेंगे कैसे। ये x इक्वल सिक्स, ये वैल्यू किसकी है, f ऑफ सिक्स की, और ये होगी नेबला f ऑफ सिक्स की, और ये नेबला स्क्वायर f ऑफ सिक्स की, ये नेबला क्यूब f ऑफ सिक्स की, और ये नेबला रेज टू पावर फोर f ऑफ सिक्स की। ठीक है, ये x इक्वल फाइव, ये f ऑफ फाइव, ये नेबला f ऑफ फाइव, ये नेबला स्क्वायर f ऑफ फाइव, नेबला क्यूब f ऑफ फाइव, और नेबला पावर फोर f ऑफ फाइव। जैसे मैंने अभी बताया था कि इसमें डिफरेंस टेबल इस तरह से पढ़ी जाती है। ठीक है, ये फोर, ये f ऑफ फोर, ये होगा नेबला f ऑफ फोर, ये नेबला स्क्वायर f ऑफ फोर, ये हो गया नेबला क्यूब f ऑफ फोर, और हम नेबला की पावर फोर f ऑफ फोर कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमारे पास डेटा नहीं था सफिशियंट। थ्री, ये f ऑफ थ्री, नेबला f ऑफ थ्री, और ये नेबला स्क्वायर f ऑफ थ्री, राइट। ये टू, ये हो गया हमारा f ऑफ टू, और ये नेबला f ऑफ टू, और ये वन, ये f ऑफ वन, और f ऑफ वन के लिए हम नेबला नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके लिए हमें इसे एक पीछे यानी कि x बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए जो कि नहीं है हमारे पास। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करने का तरीका। अब दोनों डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं डिफरेंस ऑपरेटर की। जैसे अगर सबसे पहले अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल सी, कांस्टेंट है अगर, तो डेल एफ ऑफ एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एज वेल एज बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ज़ीरो होगा। ज़ीरो इसलिए होगा क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, तो एक्स पर, एक्स अगर है उस पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स सी है, एक्स अगर एक्स प्लस एच हो गया तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सी ही रहेगी, और एक्स अगर एक्स माइनस एच है तो भी फंक्शन की वैल्यू सी ही रहेगी। ठीक है, और डिफरेंस ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में तो इसमें से इसे माइनस करते हैं तो ज़ीरो होगा, और बैकवर्ड में इसमें से इसे माइनस करते हैं तो ज़ीरो होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन पे अगर डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है तो वो ज़ीरो होता है। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो वो ऑपरेटर से बाहर, जैसे हम डिफरेंशिएशन में नहीं करते, अगर हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो ये हमें पता है डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा 2x, लेकिन अगर हमें 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो हम 2 को डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से बाहर लिख देते हैं। सिमिलरली डिफरेंस ऑपरेटर में भी होता है, तो डेल अगर हमें सी एफ एक्स कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई कोई कॉन्स्टेंट है तो ये बराबर होगा सी डेल एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम सीधा सीधा ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये होगा सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स, तो सी कॉमन आके और ये बन जाएगा। ठीक है, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पे भी अप्लाई होता है। सिमिलरली थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है, अगर दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स और इन पे हमें डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई होती हैं, तो ये बनेगा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल जी ऑफ एक्स, हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हम जो डिफरेंशियल ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ है ना, लगभग वैसा ही कुछ बन रहा है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर में भी हम करते हैं अलग अलग फंक्शन का, अलग अलग अगर फंक्शन प्लस में है या माइनस में है तो अलग अलग हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, तो सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, मतलब कि सी वन और कोई फंक्शन है प्लस माइनस सी टू कोई दूसरा फंक्शन है, तो ये एक तरीके से इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का कंपोजिशन है, दोनों का मिक्सचर है, तो ये क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट तो बाहर ऑपरेटर से, फंक्शन का फंक्शन पे हमने डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर दिया प्लस माइनस सी टू बाहर और दूसरे फंक्शन पे जी एक्स पे हमने डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो ऐसा भी डिफरेंशियल ऑपरेटर में होता है।
अब अगर हम डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करते हैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट पर, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। हमें पता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसी तरह से अप्लाई होता है। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच, ऐसा करते हैं हम माइनस करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स और प्लस भी करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स जी एक्स। देखो ज़रूरी नहीं है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे ये प्रॉपर्टी ही अप्लाई की जाए, आप डायरेक्ट भी जैसे हमने ये ऑपरेटर अप्लाई करके लिखा है ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हो। अब इन दोनों में से हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच ये बन रहा है डेल जी एक्स, फंक्शन जी एक्स पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया है प्लस, और ये फंक्शन एफ एक्स पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया है जी एक्स। तो जैसे मैंने बोला थोड़ा थोड़ा सिमिलर है डिफरेंशियल ऑपरेटर के, तो डेल एफ एक्स जी एक्स है, तो जब डिफरेंशिएशन करना होता है दो फंक्शन का तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डिफरेंशिएशन। बट यहाँ पे फ़र्क इतना सा है कि पहले फंक्शन को जब एज इट इज़ रखा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच किया है दूसरे फंक्शन पे डिफरेंस ऑपरेटर प्लस पहले फंक्शन पे डिफरेंस ऑपरेटर दूसरा फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें दो फंक्शन के डिफरेंस पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है तो ये कैसे होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जैसे मैंने कहा ज़रूरी नहीं है ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना, आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जी एक्स प्लस एच जी एक्स आ गया एलसीएम, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच। ऐसा करते हैं हम इसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स करते हैं और प्लस एफ एक्स जी एक्स करते हैं, ठीक है, फिर माइनस एफ एक्स जी एक्स प्लस एच, ठीक है, अपोन में जी एक्स प्लस एच जी एक्स एज इट इज़ है। अब इन दोनों में हमें दिख रहा है साफ साफ जी एक्स कॉमन आ रहा है, तो बन क्या रहा है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इसके साथ जी एक्स कॉमन, और इन दोनों में एफ एक्स कॉमन आ रहा है, एफ एक्स कॉमन, और एफ एक्स हम ऐसा करते हैं नेगेटिव साइन के साथ कॉमन लेते हैं, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये बचेगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स और अपोन में जी एक्स प्लस एच जी एक्स एज इट इज। अब देखो इक्वल ये बन गया फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ है फंक्शन एफ एक्स पे जी एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स अपोन में है जी एक्स प्लस एच जी एक्स। तो देखो ये रिजल्ट भी जैसे मैंने कहा था थोड़ा सिमिलर आते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर के, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर जब हमें दो फंक्शन के डिवीज़न पे अप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ जी एक्स प्लस एच है, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो एग्जैक्ट नहीं है डिफरेंशियल ऑपरेटर के जैसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। एक और प्रॉपर्टी है, अगर हम डेल एम डेल एन करते हैं एफ एक्स तो ये बराबर होता है डेल एम प्लस एन एफ एक्स के, सॉरी, ठीक है, इसको भी बहुत इजीली प्रूव किया जा सकता है। जब हम डेल पावर एम और डेल पावर एन लिख रहे हैं एफ एक्स पे तो इसका मतलब है ये डेल ऑपरेटर हमने एम टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और डेल ऑपरेटर ही हमने एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब टोटल देखा जाए तो डेल ऑपरेटर कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है एम प्लस एन टाइम्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं डेल की पावर एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स।
तो ये कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंस ऑपरेटर की, और जैसे मैंने कहा ये प्रॉपर्टीज़ मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए लिखी है, ये एज इट इज़ बैकवर्ड डिफरेंस पे भी अप्लाई होगी। अब हम कुछ थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड। तो जैसे सबसे पहले एग्जांपल है, हमें इस फंक्शन पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई करना है और हमें एच इक्वल वन दे रखा है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको एफ ओ फिक्स और इसको जी ओ फिक्स अज्यूम करके, और जो फंक्शन के डिवीज़न के लिए डिफरेंस ऑपरेटर की प्रॉपर्टी थी वो यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हम इसे डायरेक्ट करते हैं, टू एक्स प्लस एच होता है ना, तो एच हमारे पास वन है, तो टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि हमें एक्स की जगह एक्स प्लस वन पुट करना है, माइनस टू एक्स एक्स प्लस वन का फैक्टोरियल। अब हमें इसे एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना है, तो x प्लस टू का फैक्टोरियल x प्लस वन का फैक्टोरियल, इन दोनों में देखो 2 की पावर x आ रहा है कॉमन, यहाँ बचेगा 2 के साथ आएगा x प्लस वन का फैक्टोरियल, माइनस ये आएगा x प्लस टू का फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट बन चुका है हमारे पास 2 की पावर x, 2 x प्लस वन फैक्टोरियल, इससे हम लिख सकते हैं x प्लस टू एक्स प्लस वन फैक्टोरियल, x प्लस वन फैक्टोरियल x प्लस टू फैक्टोरियल। अब x प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर x, x प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ बचेगा क्या 2 माइनस x माइनस टू अपोन में x प्लस वन फैक्टोरियल x प्लस टू फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है माइनस का x 2 की पावर x अपॉन x प्लस टू का फैक्टोरियल आंसर। एक और एग्जांपल कर रहे हैं हम, हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर n टाइम्स इस फंक्शन पे अप्लाई करना है और h इक्वल वन दे रखा है, तो n टाइम अप्लाई करना है, तो हम पहले वन टाइम एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे n इक्वल वन n इक्वल टू, और फिर हम देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से फिर हम nth के लिए रिजल्ट लिख देंगे। जैसे सबसे पहले ये e की पावर ए एक्स और e की पावर b अलग अलग लिखा जा सकता है, और e की पावर b कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसे ऑपरेटर से बाहर लिख दिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले n इक्वल वन के लिए देखते हैं, तो डेल e की पावर ए एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये होगा e की पावर a x प्लस वन माइनस e की पावर a x, यहाँ पे e की पावर a x आ गया कॉमन, तो क्या बच रहा है e की पावर a माइनस वन, ठीक है। अब हम डेल स्क्वायर निकालते हैं e की पावर a x, तो डेल स्क्वायर मतलब हमें ये जो रिजल्ट है इस पर एक और बार डेल अप्लाई करना है, तो इसका रिजल्ट ये है, तो e की पावर a माइनस वन e की पावर a x, ठीक है। यहाँ पे e की पावर a माइनस वन तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ये बन रहा है डेल e की पावर a x, और ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो ये कितना आ रहा है e की पावर a माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ये है और एक यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे, और e की पावर a x, ठीक है। तो देखो जब डेल की पावर वन है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ए की पावर ए माइनस वन की पावर वन और साथ में ए की पावर ए एक्स। जब डेल की पावर टू है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ए की पावर ए माइनस वन की पावर टू ए की पावर ए एक्स। यानी कि जब डेल थ्री निकालेंगे हम तो रिजल्ट क्या आएगा, ए की पावर ए माइनस वन क्यूब ए की पावर ए एक्स। तो इसका मतलब जब हम nth टाइम इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट होगा e की पावर a माइनस वन की पावर n e की पावर a x, ओके। और हमें कैलकुलेट ये करना था e की पावर a x प्लस b, तो यहाँ e की पावर b साथ में हमने बाहर लिख दिया था, और ये बन रहा है e की पावर a माइनस वन की पावर n e की पावर a x, मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है, e की पावर a माइनस वन n e की पावर a x प्लस b। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस ऑपरेटर पे बेस्ड डिफरेंस ऑपरेटर की कुछ प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड सिंपल एग्जांपल्स। अब इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।